अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। देश में बालिका शिक्षा के लिए पहला स्कूल शुरू करने वाले, अंधविश्वास और जागतिक भेदभाव मिटाने के लिए बहुमूल्य कार्य करने वाले क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न संगठनों की ओर से क्रांति सूर्य महात्मा फुले इनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। आज मंगलवार 28 नवंबर को परभणी शहर के स्टेडियम क्षेत्र में ज्योतिबा फुले के पुतले को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस समय डॉक्टर धर्मराज चौहान, कृष्णा कटारे, प्रमोद भाव कुटे, अंगत सोगे, बंडू म्हात्रे, पवन निकम, संजय बगाटे, सुमित जाधव, भूषण मोरे, सुनीता साळवे, घनश्याम साळवे, दासा पुणगे आदि विविध संगठनाओं के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय हाजिर थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत शुरू आंदोलन को समर्थन देते हुए 28 नवंबर से कर्मचारियों ने बेमुद्दत हड़ताल पुकारा है। इस हड़ताल में जिला अस्पताल के तहत 300 कर्मचारियों ने शामिल होते हुए हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर परिणाम होता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अधिकारी कर्मचारी 25 अक्टूबर से विविध मांगों को लेकर हड़ताल पर गए हुए हैं। इस हड़ताल को अप्रत्यक्ष समर्थन दिया गया था। एक महीना होने के बावजूद भी शासन ने किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेने की वजह से मजबूरन जिला अस्पताल के सभी कॉन्ट्रैक्ट अधिकारी कर्मचारियों ने तारीख 28 नवंबर 2023 मंगलवार के रोज से हड़ताल पुकारा है। अस्पताल में 300 कर्मचारी हड़ताल पर शामिल होने से स्वास्थ्य सेवाओं पर परिणाम होता नजर आ रहा है। मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। 28 नवंबर मंगलवार के रोज दो सत्र के 18 डायलिसिस मरीजों पर डायलिसिस नहीं किया गया। हड़ताल के कारण मरीजों की सेवा को बाधाएं निर्माण हो रही है। राज्य शासन तुरंत इस पर निर्णय लेते हुए अस्पताल में मरीजों के साथ होने वाली परेशानियों को देखकर राज्य शासन तुरंत इस पर निर्णय ले, ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की फदरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभणी जिले में 27 नवंबर के रात और 28 नवंबर के सुबह में हुए बेमौसमी बारिश के कारण जोरदार हवाओं के साथ आसमान में बिजलियां कड़कते हुए जोरदार तूफानी बारिश हुई। इस बारिश में समूचे जिले में हर गांव में इतना पानी हो चुका है कि हर जगह पर हाहाकार मचा हुआ है। समूचे जिले में इस हाहाकार को देखते हुए यहां के तमाम खेती के फसलें पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। जानवरों का नुकसान हुआ है, कई जानवरों ने अपनी जान गंवा दी है, तो कई घर गिर चुके हैं। इलेक्ट्रिक के खंभे और झाड़े रास्तों पर गिर जाने से यातायात में बाधाएं निर्माण हो चुकी है। 23 मैसूर मंडलों में अतिवृष्टि की नोंद की गई है। जिले में सरासरी 65 मिलीमीटर बारिश की नोंद की गई है। जोरदार बारिश के कारण रबी हंगाम के ज्वार, गेहूं, चना, अन्य फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। उसी तरह खरीफ हंगाम के कपास और तुअर भी खेतों में उगाए हुए तबाह हो चुके हैं। ये तस्वीरें देखते हुए परभणी जिले में पिंगड़ी शिवार में ये माहौल देखने को मिला है। ऐसी स्थिति समूचे जिले में दिखाई देती है। परभणी में नया बनाया जा रहा सांस्कृतिक हाल नाट्यगृह की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। इस सांस्कृतिक हाल को राजश्री शाहू महाराज नाट्यगृह ऐसा नाम दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन अखिल भारतीय बहुजन श्रमिक संघ की ओर से जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया है। इस निवेदन पर संस्थापक अध्यक्ष मुकुंद नंद, प्रहलाद देशमुख, प्रोफेसर अमोल गौतम, अशोक गायकवाड़ आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। महात्मा फुले राजर्षी शाहू डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामर्थ्य संपन्न कसदार विचाराला अभिवादन करून आज आम्ही जिल्हाधिकारी यांना या परभणीमध्ये जे प्रास्ताविक नाट्यगृह तयार व्हायला या ग्रहाला राजर्षी शाहू महाराज यांचं नाव देण्यात यावं अशी या ठिकाणी चर्चासुद्धा जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर केली। कारण की तुमच्या सांस्कृतिक कार्यामध्ये सर्व उत्कृष्ट पुरस्कार दिला जातो चांगलं काम करणाऱ्याला, दादासाहेब फाळके। तर दादासाहेब फाळके हे कोल्हापूर संस्थानमध्ये सांस्कृतिक कार्य करत होते आणि त्यांना राजर्षी शाहू महाराजांनी फार मोठी मदत केली। तर अशा शिष्यांना राष्ट्रीय पुरस्कारानं सन्मानित केले जाते। तर त्याने निर्माण केलेलं कार्य आहे असे राजर्षी शाहू महाराज या नाट्यगृहाला नाव देण्यात यावे अशी अखिल भारतीय बहुजन श्रमिक संघाच्या पदाधिकाऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्याची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले।
वहीवाट और खेत जमीन का निर्णय खिलाफ में जाने पर पालम तहसील के दुटक्का के दो किसानों ने आज तारीख 28 नवंबर 2023 मंगलवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने खुद के शरीर पर डीजल छिड़कते हुए आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले की जानकारी तुरंत यहां के पुलिस कर्मचारियों को हो जाने से इन दोनों को हिरासत में लिया है। इसके कारण आने वाली विपदा टली। पालम तहसील के रोहिदास थोराजी गायकवाड़ और भगवान तोलाजी गायकवाड़ और नामदेव कोंडिबा और उसी तरह कुंडली कोंडिबा नलदुर्गे और अन्य दुटक्का के स्थित जमीन पर कुल वहीवाट इसी जमीन का ताबा लेने को लेकर वाद शुरू हुआ था। इस संदर्भ में रोहिदास गायकवाड़ और भगवान गायकवाड़ इन्होंने पालम कोर्ट में निर्णय के अनुसार खेती जमीन का ताबा देने की मांग की थी और उस पर निवेदन दिया गया था कि जल्द से जल्द निर्णय नहीं दिया गया तो आने वाले 28 नवंबर मंगलवार के रोज रोहिदास गायकवाड़ और भगवान गायकवाड़ ये जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने आत्मदाह करेंगे, ऐसा इशारा निवेदन द्वारा दिया गया था। उसी के तहत आज दोपहर 12 बजे के दरमियान रोहिदास गायकवाड़ और भगवान गायकवाड़ इन्होंने अपने शरीर पर डीजल की कैन छिड़कते हुए खुद को जलाकर लेने की कोशिश की, लेकिन यहां पर हाजिर रहे पुलिस कर्मचारियों ने इन दोनों को तुरंत हिरासत में लिया। समय नवा मुंडा पुलिस थाने के PSI गाड़े मैडम के साथ उनके अन्य कर्मचारी मौजूद थे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास, हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू, बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। जंतूर तालुके के दुधगांव महसूल मंडल के साथ समूचे तहसील में तूफानी बेमौसमी बारिश होने की वजह से किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस बड़े पैमाने पर हुए नुकसान को देखते हुए SDRF और NDRF की निकास के तहत मदद घोषित करें, ऐसा निवेदन जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को आज तारीख 28 नवंबर 2023 मंगलवार के रोज शेतकरी संघर्ष समिति की ओर से दिया गया। इस निवेदन पर इरशाद पाशा, चांद पाशा, कृष्णा राव दुधगांवकर के साथ खेतों में नुकसान हुए किसानों के हस्ताक्षर मौजूद है। आमच्या मंडळामध्ये 93% दाखवलेला आहे, पण 100% वर आमच्या इथं पावसाची नोंद आहे। जे पर्जन्यमान आहे ते पूर्णपणे चुकीचं आहे। जो गरभराला पाऊस आला होता त्याच्यामध्ये आमचे गुरं वाहून गेले, अक्षरशः आम्ही साहेबांना व्हिडिओ पण दाखवले गुरं वाहून गेल्याचे। आणि जो शेतीचं जे नुकसान झालं, सोयाबीन, आपले हरभरा जे पेरलं होतं, गहू, हरभरा, ज्वारी, पूर्ण पिकं आमचे जमीन उद्ध झाले, पूर्ण वाहून खडून गेले। जसं की सगळ्यात जास्त नुकसान हे करपरा नदीच्या कडील झालेलं आहे। करपरा नदी ही आमच्या मंडळापासून चालू होते, त्याच्यावर पण आहे, पण जास्तीत जास्त नुकसान आमचं करपरा मंडळामध्ये झालेलं आहे। त्या करपरा नदी आशेगाव, वस्सा, कौडगाव, कसर, पिंपरी, सोन्ना, कोक, शेख, माग एवढे गाव येतात, पण जास्तीत जास्त लवकरात लवकर सर्वे करून आम्हाला मदत द्यावी। आज सन्माननीय जिल्हाधिकारी परभणी यांना निवेदन देऊन आमच्या दुधगाव महसूल मंडळातील झालेल्या नुकसानीबाबत त्या ठिकाणी आम्ही चर्चा केलेली आहे। परवा दिवशी रात्रीला पाऊस पडला आणि होतंचं नव्हतं झालं, त्या ठिकाणी गुरं, ढोरं, जनावरं वाहून गेली, शेतकऱ्यांचं साहित्य वाहून गेलं, कपाशी वाहून गेल्या, तुरी वाहून गेलं, सगळं त्या ठिकाणी आमचं पीक त्या ठिकाणी उद्ध्वस्त झालेलं आहे। अशामध्ये शासनाने, राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने, राज्य सरकारच्या SDRF मार्फत आणि केंद्र सरकारच्या NDRF मार्फत तात्काळ त्या ठिकाणी मदत होणं गरजेचं आहे। आणि अद्यापर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी आणि जिल्हाधिकाऱ्याने पंचनामा करण्याचे आदेश देऊन हे संबंधित तलाठी मंडळाधिकारी त्या ठिकाणी मंडळामध्ये त्या ठिकाणी आलेले दिसून येत नाहीत। त्या ठिकाणी आमचा, ह्या ठिकाणी आमचा इशारा आहे की सन्माननीय तलाठी आणि मंडळाधिकारी यांना की तुम्ही आमच्या मंडळामध्ये सज्जामध्ये गावांमध्ये त्या ठिकाणी येऊन त्या ठिकाणी आमचा पंचनामा केला पाहिजे। अद्यापर्यंत पंचनामा केला नाही, यापुढं आमचा इशारा आहे
की पंचनामा तात्काळ पंचनामा करून आमचे जे काही झालेला नुकसान आहे आपल्या पंचनाम्यामध्ये घ्यावा, अन्यथा त्या ठिकाणी दुधगाव महसूल मंडळाच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन, मगाशी आमच्या कृष्णाभाऊने सांगितलं की आत्मदहन आंदोलन करू। आज तारीख 28 नवंबर 2023 मंगलवार के रोज पूर्णा तालुके के मौजे धानोरा मोतिया ग्राम पंचायत कार्यालय की ओर से परभनी के जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। उसी के साथ एसपी मैडम को भी निवेदन दिया गया और निवेदन में कहा गया है कि मौजे धानोरा मोतिया गांव में पिछले 2 सालों से अवैध शराब बेची जा रही है। इस शराब बेचने वालों के कारण शराबी शराब पीकर स्कूल के मैदान में और ग्राम पंचायत ऑफिस के सामने ही लुढ़क जाते हैं, जिससे इन आने वाले महिला और लड़कियों के साथ छेड़खानी भी इनकी ओर से हो जा रही है, जिससे परेशानियों का सामना गाँव वालों को करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए ग्राम पंचायत ने निर्णय लेते हुए आज तारीख 28 नवंबर के रोज जिला कलेक्टर और यहाँ के कर्तव्यदक्ष एसपी इन्हें निवेदन दिया है और निवेदन देकर यह कहा है कि ये अवैध शराब की दुकानें और अवैध शराब बेचने वालों को तुरंत यहां से हटाया जाए, इनका बायकॉट किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है। इस निवेदन पर शिवाजी मोहिते, यशवंता राजघाटोड़, कैलाश वाघ, सीताराम डाकोरे, गणपति रहाटकर, हरि वाघ, नारायण डाकोरे, चितांबर डाकोरे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। धानोरा मोते येथील 2 वर्षापासून अवैध दारू विक्री चालू आहे। ती दारू आम्ही वारंवार बंद करण्याकरता थोडा पोलिसांना देऊ तक्रार दिली, ग्रामपंचायत मार्फत केली, ठराव घेऊन दिली, त्यानंतरही गावातली दारू बंद होत नाही। तर पुराव पोलीस स्टेशनमधून 2 ते 4 वेळेस त्या लोकांवर कारवाई झाली, तरी ते दारू बंद करीत नाहीत आणि धानोरा मोत्या शाळेच्या पटांगणामध्ये जाऊन दारू पितात। शाळेच्या प्रश्न, मुलीचा जाण्यायेण्याचा प्रश्न उद्भवला आहे, ग्रामपंचायतच्या ग्राउंडमध्ये जाऊन दारू पितात, मंदिराच्या आवारामध्ये जाऊन दारू पितात आणि किती वेळा वारंवार सर्व लोकांना मिळून ग्रामपंचायतने मीटिंग घेऊनसुद्धा बंद करीत नाहीत। आम्ही दारू विकणाऱ्या लोकांना बोलून घेतलं ग्रामपंचायतमध्ये आणि त्यांना सांगितलं, तर त्यांनी सांगितलं की तुम्ही एसपीकडे जा, कलेक्टर ऑफिसला जा, कुठेही जा, आम्ही दारू बंद करणार नाही, अशा भाषेत स्पष्ट सांगितल्यानंतर आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी साहेबाकडे आणि जिल्हा अधीक्षक एसपी साहेबाकडे दोघांकडे बी निवेदन घेऊन चाललो, कृपया करून धानोरा मोते येथील दारू बंद करून मिळावी आणि गोरगरिबाचं, शाळेतल्या मुलाचं, वारकऱ्याचं, सर्व शेतकऱ्याचं जीवन सुबलम सुफलम व्हावं ही आशी म्हणून ग्रामपंचायतच्या कळकळीच्या विनंतीनं आम्ही कलेक्टर साहेबाकडे आणि तुमच्याकडेही आमची तुमच्या चॅनलच्या मार्फत विनंती आहे की आम्हाला मोठ्या धानोरा येथील दारू बंद करून मिळावी। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आंख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर जनपद, बलरामपुर यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259। विकलांग जागतिक दिन के अवसर पर परभनी जिले के विकलांग बंधुओं की ओर से विविध मांगों को लेकर जो विकलांगों के यहां पर समस्याएं सुलझाई नहीं जा रही है, उन प्रश्नों को लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले के सामने अनशन मैदान पर तारीख 4 दिसंबर 2023 से सुबह 11 बजे से लेकर ये अनशन पर बैठेंगे। ऐसा निवेदन संघर्ष दिव्यांग संगठन RPI गट आठवले गट दिव्यांग आघाड़ी इनकी ओर से दिया गया है। इस निवेदन पर राहुल मरीबा, विश्व भगत इनके हस्ताक्षर मौजूद है। दिनांक 4/12/2023 रोजी जागतिक आपण दिनानिमित्त मी उपोषणावर बसणार आहे असं मी जिल्हाधिकारी साहेबांना दिन दिला आहे। ओके, जागतिक अपंग दिनांक 3 डिसेंबर हा जागतिक अपंग दिवस असतो। या जागतिक अपंग दिनानिमित्त आम्ही कलेक्टर साहेबांना जागतिक अपंग दिन साजरा करण्यात यावा, दरवर्षी हा कार्यक्रम घेण्यासाठी प्रशासन टाळाटाळ करत असते, ते कार्यक्रम घेण्यात यावा, दिव्यांगांना जे आरक्षण आहे
ते आरक्षण देण्यात यावं, ज्या अपंगांना स्टॉल देतात ते एस टी महामंडळमध्ये रेल्वे स्टेशनला स्टॉल देण्यात यावे, दिव्यांगांना 5% आरक्षणप्रमाणे लागू करून ते त्यांना आरक्षण आहे पत्र ते लागू करत नाही, त्याची अंमलबजावणी होत नाही, प्रत्यक्षात दिव्यांगांना ते आरक्षण दिल्या जात नाही, त्या जागेवर दुसऱ्या लोकांची भरती केली जाते, ती दिव्यांगांना देण्यात यावी. घरकुलाचा प्रश्न खूप दिवसापासून पेंडिंग पडलेला आहे, दिव्यांगांना ते घरकुल देण्यात यावे दिव्यांगा कोट्यातून, अशा अनेक आमच्या मागण्या जिल्हाधिकारी साहेबांना देण्यात आल्या. तरी राशन कार्ड हे सर्व काही मागण्या आमच्या यासाठी निवेदन देण्यात आलं आहे. जर हे जर मान्य जर नाही केलं, दिव्यांगाचा कार्यक्रम 3 डिसेंबरला जर नाही घेण्यात आला, तर आम्ही 4 तारखेला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार आहोत. हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें. उसी के साथ साथ अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट.